मुरादाबाद महानगर में सीबीएसई बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई गई। परीक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। रविवार को मुरादाबाद महानगर के 37 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा के लिए मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई थी। परीक्षा दो पारियों में संपन्न कराई गई। पहली पारी में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी में 2 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न हुई। परीक्षा संपन्न होने के बाद पुलिस प्रशासन ने जहां राहत की सांस ली, तो वहीं स्कूल प्रशासन ने भी कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कोई भी शिक्षक किसी भी स्कूल में शिक्षक की भूमिका में रहकर कार्य कर सकता है। साथ ही परीक्षा को तिल करने के लिए सभी शिक्षक काफी मेहनत करते हैं। साथ ही परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सभी शिक्षक काफी मेहनत करते हैं। परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा केंद्र से निकल रहे परीक्षार्थियों ने ये जानकारी दी कि परीक्षा अच्छी हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या परीक्षा केंद्र पर नहीं थी। कैसी व्यवस्था थी सेंटर में? अच्छी थी, काफी अच्छी थी। क्या नाम है मैडम आपका? आचल चौहान। आचल, आप कहाँ से आई हैं? रामपुर से। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा। कैसी व्यवस्था थी सेंटर पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, सारी चीजें। ये परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद क्या आपको आगे मौका मिलेगा? किसी भी स्कूल में आप जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसा पेपर गया आपका? बढ़िया गया। कौन सा पेपर थे? सीटेट। सीटेट के कहाँ से आए आप? चंदौसी से। चंदौसी से संभली। कैसी व्यवस्था है सेंटर में? बढ़िया, बहुत बढ़िया।